हेलो गाइस, पीएचजी के हमारे यूट्यूब चैनल का और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, सैमसंग ने पहली बार अंडर 15,000 प्राइस रेंज के अंदर एक तगड़ा वाला परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन लॉन्च किया है और वो स्मार्टफोन है गाइस सैमसंग गैलेक्सी A14 5G। इसके पहले गाइस में A23 5G स्मार्टफोन के अंदर गेम प्ले किया था और उस स्मार्टफोन का गेम प्ले गाइस बहुत ही बढ़िया था, लैग फ्री गेम प्ले देखने के लिए मिला था। बट गाइस A23 5G स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर था उससे भी तगड़ा वाला प्रोसेसर इस बार सैमसंग ने यूज किया है A14 5G स्मार्टफोन के अंदर। अभी गाइस मन में एक ही सवाल है, A14 5G स्मार्टफोन का गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलेगा? क्या ये स्मार्टफोन F23 5G स्मार्टफोन से बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस निकल कर देगा? चलो इस वीडियो के अंदर सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले गाइस अनबॉक्सिंग वीडियो की बात करते हैं। अनबॉक्सिंग वीडियो पूरा छोटा है क्योंकि बॉक्स के अंदर फोन के अलावा कुछ नहीं मिलता, फोन और एक डाटा केबल। यहां पर गाइस देख सकते हो A14 5G स्मार्टफोन का बॉक्स। बॉक्स को ओपन करने के बाद एक टाइप सी टू टाइप सी डाटा केबल देखने को मिलता है, यूजर मैनुअल, मदरबोर्ड, लैब लेटर, एक इजेक्टर पिन और हमारा डिवाइस। सो गाइस अनबॉक्सिंग वीडियो तो मैं यहां पर दिखा दिया। अभी गाइस फ्री फायर गेमिंग टेस्ट को भी देख लेते हैं। लेकिन गाइस गेमिंग टेस्ट को देखने से पहले अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, जिससे मेरा हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले चले जाएगा तुम्हारे पास। और यहाँ पर गाइस देख सकते हो हमारा फ्री फायर मैक्स गेम हो गया इंस्टॉल होने के बाद ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करते हो, सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सेंसिटिविटी देख सकते हो। जनरल को गाइस मैं यहाँ पर पूरा 100% कर दिया, उसके साथ जो रेड डॉट है इसको गाइस 95 के अंदर छोड़ दिया। उसके बाद गाइस डिस्प्ले के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर खेलूंगा, उसके साथ हाई रेस, शैडो, कलर फिल्टर, FPS सबको गाइस मैं यहाँ पर हाई ग्राफिक्स के ऊपर सेट कर दिया। चलो गाइस अभी एक क्लैश स्क्वाड 4v4 मैच को स्टार्ट करते और देखते गाइस सैमसंग गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन के मदद से फुल मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड 4v4 मैच के अंदर गेमिंग परफॉर्मेंस कैसे देखने के लिए मिलता है। सो गाइस यहां पर देख सकते हो गेम के अंदर क्लैश स्क्वाड 4v4 मैच का फर्स्ट राउंड हो गया है ओपन और फर्स्ट राउंड के अंदर मेरे हाथ में है M500 पिस्तौल। सो गाइस चलो फायर सीन के बाद चलते हैं और देखते हैं इस स्मार्टफोन का सेंसिटिविटी कैसा देखने मिलता है, वन टाइम हेडशॉट लगता है क्या नहीं M500 पिस्तौल की मदद से। अभी गाइस फायर सीन के ऊपर आने के बाद देख सकते हो मेरा तीनों टीममेट हो गए डाउन, मेरा मेडिकिट भी खत्म और मेरे पास HP भी नहीं है, लेकिन सामने अभी तीन एनिमी है। सो एक एनिमी का तो यहाँ पर वन टाइम मार दिया 262 का, बट गाइस मेरे पास 0 मेडिकिट, मेरा हेल्थ भी इतना ज़्यादा कम है कि क्या ही बताओ। सामने दो एनिमी के पास गाइस WSP है। सो यहाँ पर मेरे को अगर एक एक करके गोली मारेगा ना तो भी गाइस मैं उस सीधा ऊपर चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैं वन टाइम मारने का कोशिश करता हूँ। भाई लग जा यार, लग जा, मेरा HP नहीं है। एक बंदा तो सामने आ गया भाई, इसको तो मुंह पर वन टाइम मार दिया, थप्पड़ मार दिया भाई। दूसरे बंदे को भी गाइस हेडशॉट, भाई तीनों बंदे को यहाँ पर वन टाइम मार दिया, वो भी सिर्फ 30 HP लेकर। सो बहुत ही बढ़िया गाइस यहाँ पर देख सकते हो तीनों बंदे को मार दिया और तीनों बंदे को मारने के साथ साथ पहला राउंड टर्न जीत गए। अभी गाइस पहले राउंड के बाद फोन का सेंसिटिविटी की बात करते हो गाइस, सेंसिटिविटी तो ऑसम देखने के लिए मिला है। इतना अच्छा सेंसिटिविटी वो भी सैमसंग के स्मार्टफोन के ऊपर जनरली गाइस देखने के लिए तो नहीं मिलता, वो भी 15,000 प्राइस रेंज के अंदर। सो यहाँ पर सेंसिटिविटी अच्छा खासा बोल सकते हो स्मार्टफोन का। सो सेंसिटिविटी तो यहाँ पर बढ़िया है, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या गेमिंग फीचर्स है चलो अभी देख लेते हैं। सैमसंग गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है 6.6 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले और इस डिस्प्ले का ब्राइटनेस की बात करें तो 450 निट्स पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है। उसके साथ ही बेजल्स गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, नीचे जो चीन होता है चीन गाइस थोड़ा सा मोटा है इस स्मार्टफोन का। सो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कुछ खास नहीं है, लेकिन गाइस गेमिंग के लिए इस डिस्प्ले के अंदर देखने के लिए मिल जाता है 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, उसके साथ ही 180Hz टच सैम्पलिंग रेट। सो यहाँ पर गाइस अगर सैमसंग की तरफ से देखोगे तो 90Hz वो भी 15,000 प्राइस रेंज पर, सो ठीक ठाक बोल सकते हो। डिस्प्ले के बाद गाइस गेमिंग के लिए नेक्स्ट फीचर से प्रोसेसर और प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पर सैमसंग ने यूज किया है सैमसंग का खुद का प्रोसेसर एक्जिनोस 1330, एक ऑक्टाकोर 64-bit का 5G चिपसेट और इस स्मार्टफोन के अंदर भी 13 5G बैंड्स देखने मिलते हैं, जो गाइस एक बहुत ही बेहतरीन चीज बोल सकते हो। उसके साथ ही इस चिपसेट का फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, सिर्फ 5nm फैब्रिकेशन प्रोसेस देखने मिलता है, जो गाइस बहुत ही बढ़िया फैब्रिकेशन प्रोसेस बोल सकते हो। फोन ज्यादा हीट नहीं होता है इस फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर, उसके साथ बैटरी ड्रेन भी कम होता है, गेमिंग परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक निकल कर देता है। और एंटीटू बीएमआर स्कोर की बात करते हो 4,20,000 के करीब एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देखने के लिए मिलता है, जो गाइस एक बहुत बढ़िया एंटीटू बेंचमार्क स्कोर बोल सकते हो अंडर 15,000 प्राइस रेंज के हिसाब से। सो गाइस यहाँ पर सैमसंग ने गेमिंग के लिए प्रोसेसर तो बहुत ही बढ़िया यूज किया। प्रोसेसर के बाद अभी गाइस इस स्मार्टफोन का बैटरी और चार्जिंग स्पेसिफिकेशन की बात करते हो, सैमसंग गैलेक्सी A14 5G स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है 6,000 mAh का एक मैसिव लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी, लेकिन इस बैटरी को चार्ज करने के लिए बॉक्स के अंदर कोई भी चार्जर देखने के लिए नहीं मिलता है। सो इस स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए अलग से आपको 25W का चार्जर खरीदना
पड़ेगा। सो गाइस गेमिंग के लिए मेन तीन फीचर्स, डिस्प्ले, प्रोसेसर और बैटरी का स्पेसिफिकेशन तो मैं यहाँ पर बोल दिया। इसके अलावा गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर मेन सेंसर 50 MP का 2 MP डेप्थ सेंसर है, उसके साथ ही 13 MP का एक फ्रंट शूटिंग सेंसर। और आप लोगों को तो पता ही होगा सैमसंग का पिक्चर क्वालिटी भाई नेक्स्ट लेवल होता है। इसके अलावा गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.2, वाईफाई कॉलिंग, हॉटस्पॉट 3.5 mm ऑडियो जैक, सैमसंग का नॉक्स सिक्योरिटी, प्रॉक्सिमिटी जायरोस्कोप जैसे बहुत सारे छोटे-बड़े सेंसर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। और इस स्मार्टफोन के यूजर इंटरफेस की बात करें तो UI 5.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13। सो गाइस ये था सैमसंग गैलेक्सी F14 5G स्मार्टफोन का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन। तो गाइस बहुत ही बढ़िया बोल सकते हैं स्मार्टफोन का। अभी गाइस प्राइसिंग की बात करते हो, इस स्मार्टफोन का दो वेरिएंट देखने के लिए मिलता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। बेस वेरिएंट है 4GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट का, जिसका प्राइस है 14,490 रुपीज, मतलब गाइस 14,500। और जो हायर वेरिएंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट, उसका प्राइस है गाइस 16,000 रुपीज। सो यहाँ पर गाइस 15,000 प्राइस रेंज के हिसाब से गाइस फोन का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने के मिलता है। मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर क्लैशकोर 4v4 मैच के अंदर कुछ भी लैगिंग या हीटिंग इशू देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके साथ फुल मैप मैच को अगर आप मैक्स ग्राफिक्स पर खेलोगे तो तब भी गाइस लैगिंग या हीटिंग इशू इस स्मार्टफोन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। गेम प्ले गाइस पूरा स्मूथ मक्खन के जैसा है। और गाइस अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल भी चल रहा है, सो 6 128GB वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा सिर्फ 14,500 प्राइस रेंज के अंदर। सो अंडर 15,000 पर सैमसंग गैलेक्सी F14 5G स्मार्टफोन को एक बेस्ट गेमिंग डिवाइस बोल सकते हो। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई को थोड़ा सा सपोर्ट तो जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस और एक नया इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक ले गाइस बाय बाय।